नमस्कार, मैं रुपेश, आप सभी का इस YouTube पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है। जैसे SSC हो गया, व्यापम हो गया, रेलवे हो गया, इस टाइप के प्रश्न पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मैं 3-4 दिनों से त्यौहार में व्यस्त था, इस कारण वीडियो अपलोड नहीं किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज से इस YouTube पर डेली क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो क्लास कंटिन्यू करें। ओके, मैं छत्तीसगढ़ व्यापम में जो क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और बकरी है, सभी सीरों की कुल संख्या 38 है तथा पैरों की संख्या 100, बकरी संख्या ज्ञात करनी है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, एक फार्म हाउस में केवल मुर्गी और बकरी है, बोल रहा है तो मुर्गी के 2 पैर होगा और बकरी का 4 पैर, ये तो सभी जानते हैं। अब बोला गया है सीरों की कुल संख्या कितनी है, 38, और पैरों की संख्या 100 दिया गया है, और बकरी संख्या ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो पैरों की संख्या कितना है, 100, माइनस किससे करेंगे, सीरों की संख्या से। सीरों की संख्या कितना है, 38, लेकिन 38 में कौन सा गुणा करेंगे, बकरी की संख्या पूछा गया है तो मुर्गी का लेंगे। अगर मुर्गी की संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता तो बकरी का लेते, लेकिन मुर्गी का भी मुर्गी कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, तो सीरों की संख्या मतलब 38 में 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो 100 माइनस 76 बटे 2। अब 2 कैसे आया इसको देखते हैं। बकरी की संख्या कितनी है, मतलब बकरी की पैरों की संख्या 4 है और मुर्गी की 2 है, तो बकरी माइनस मुर्गी करेंगे तो उनमें 4 में 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, यही वाला है ना। तो इसमें हो जाएगा 100 माइनस 76 बटे 2 हो जाएगा। अब 100 माइनस 76 में घटाएंगे कितना आ जाएगा, 24 बचेगा। अब 24 में 2 से भाग करेंगे कितना बार में जाएगा, 12 बार में, तो वो बकरी की संख्या कितनी है, 12 है ना, ऑप्शन में 12 दिया है, तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, तो अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक फॉर्म में गाय और कबूतर है, यदि सीरों की संख्या गिने जाए तो 180 और पैरों की संख्या गिने जाए तो 420, गाय की संख्या निकालनी है। पैरों की संख्या 420 दिया गया है, तो 420 को लिख लेते हैं और माइनस करते हैं। अब 180 को माइनस करेंगे, 420 में 180 को माइनस करेंगे सीरों की संख्या में। अब पूछा गया है गाय की संख्या निकालनी है, अगर गाय की संख्या निकालनी तो किससे गुणा करेंगे, कबूतर के पैर से। कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 180 में 2 से गुणा कर देंगे और बटे में अंतर किसका रहेगा, पैरों की संख्या में अंतर रहेगा ना, गाय की संख्या और कबूतर की संख्या में अंतर। तो गाय की 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2, तो गाय की 4 पैर और कबूतर के 2 में उसमें माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 2 पैर तो बचेगा ना, 2 लिखेंगे नीचे में। अब 420 में 180 गुणित 2 किए थे तो 18 दूनी 36 मतलब 360, तो 420 माइनस 360 बटे 2 हो जाएगा। अब 420 में 360 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो 60 में 2 से भाग कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो गाय की संख्या निकालनी, तो गाय की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। गैराज में मोटरसाइकिल तथा ट्रैक्टर है, वह भी 6 पहिया, कुल 60 वाहन, कुल पहिया की संख्या का 160 है, तो ट्रैक्टर की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आप लोग को दोनों प्रश्न समझ नहीं आया होगा तो तीसरा प्रश्न जरूर समझ में आ जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। प्रश्न कहता है कि ट्रैक्टर की संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल पहिया कितना है हमारे पास, संख्या पहिया की संख्या 160 है, 160 माइनस करते हैं और कितना दिया गया है, कुल वाहन की संख्या 60 वाहन है, तो 60 और गुना करेंगे किससे, 2 से करेंगे, क्यों, यहाँ ट्रैक्टर की संख्या पूछा गया था, ट्रैक्टर की संख्या मतलब उसके पहियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, यहाँ दिया गया 6 पहिया करके, ठीक है, ओके। और मोटरसाइकिल की 2 होती है, तो किसका पूछा गया है, ट्रैक्टर का पूछा गया है, तो मोटरसाइकिल से गुणा करेंगे, अगर मोटरसाइकिल का पूछा जाता तो ट्रैक्टर का गुणा करते, तो क्या करेंगे, 160 माइनस 60 गुणा 2, 2 कहाँ से आया, मोटरसाइकिल की संख्या मतलब 2 पहिया है उसका, बटे 4 कैसे आएगा, ट्रैक्टर की संख्या मतलब ट्रैक्टर में कितना पहिया होता है, 6 पहिया, तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, और मोटरसाइकिल के कितनी होती है, 2 होता है, तो 6 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 160 माइनस 120 बटे 4, जब 60 को 2 से गुणा करेंगे कितना बार में जाएगा, 6 दूनी 12 मतलब 120, तो 160 माइनस 120 बटे 4, तो अब 160 में माइनस 120 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 बचेगा, अब 4 तो नीचे में दिया 6,
अब 4 से 20 को काटेंगे कितना बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सी ऑप्शन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आता है तो लाइक करिए, वरना आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।